चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। तो राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे में कांग्रेस के पास सूची है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने चर्च बने, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धर्मांतरण हुआ तभी चर्च बने, सभी की सूची है। सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उसके पास केवल दो ही मुद्दे बचे हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, दो ही मुद्दे जो है भाजपा के पास है। वहीं अयोध्या में बन रहे श्री राम लला के मंदिर को लेकर सीएम ने कहा कि राम मंदिर न्यायालय के आदेश पर बना है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, उसमें ट्रस्ट द्वारा जो है संगठन बनाया गया है जिसकी वजह से मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। धर्मांतरण हुआ तभी चर्च बना, तो ये उसी के कार्यकाल में वो सारी सूची मैं दे दूंगा, विधायकों को भी दे दूंगा, पत्रकारों को भी दे दूंगा, सबको दे दूंगा, ताकि जानकारी हो कि कौन सा चर्च कब बना। और ये भारतीय जनता पार्टी अब लड़ नहीं पा रही है तो केवल धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दो ही मुद्दे हैं जिसमें उसकी मास्टरी है, और उसके उसका ट्रस्ट बनाया गया, उसके संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। यदि राम वनगमन पर्यटन पर मनाने की बात है, हमको कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बना रहे हैं बहुत भव्य मूर्ति शिवरी नारायण में। धर्मांतरण हुआ तभी